अच्छा आज आपको मालूम है विश्वकर्मा का जन्मदिन है, हैं? क्या मालूम था? विश्वकर्मा पूजा है। ये विश्वकर्मा की पूजा क्यों होती है? कौन है विश्वकर्मा? हाँ विश्वकर्मा भगवान पूरे सृष्टि की रचना किए थे और वो कभी भी किसी का भला, हमेशा भला चाहते हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं, हमेशा सबका बनाते हैं। आज विश्वकर्मा कौन है हमारे देश में? किसको हम विश्वकर्मा कहते हैं मालूम है? हैं? कौन है विश्वकर्मा? हैं? कौन? विश्वकर्मा जाते हैं हम। देखिए हमारे देश में ऐसी कल्पना है कि जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया वे विश्वकर्मा थे। और विश्वकर्मा यानि जो औजार से, हाथ से, अपने दिमाग से पसीना बहा करके काम करते हैं और सबने इसी से सृजन किया। हमारे यहाँ मकान बनाने वाला व्यक्ति है, ईंटा रखता है, चूना रखता है, वो विश्वकर्मा है। कोई पाइप फिट करता है, वो विश्वकर्मा है। कोई बिजली के तार लगाता है, वो विश्वकर्मा है। कोई रोड बनाता है, वो विश्वकर्मा है। कोई स्कूल के अंदर खिड़कियाँ बना रहा है, वो विश्वकर्मा है। तो हमारे देश में विश्वकर्मा को भगवान माना गया है और इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो जैसा हमें किताबों का ज्ञान होना चाहिए वैसे कौशल्य भी होना चाहिए। आप में से साइकिल चलाना कितनों को आता है? अच्छा आप साइकिल पर बैठे बिना साइकिल सीख गए कि बैठने के बाद सीखे? एक बार भी गिरे नहीं और साइकिल सीख गए, इसे कितने हैं? गिरते हैं ना। अच्छा आपने किसी को समझाया था कि आपकी साइकिल ऐसे मोड़ेगी तब तुम ऐसे मोड़ना, ऐसा समझाया था किसी ने? आपको खुद को पता चल गया ना कि हाँ ये ऐसे घूर रहा, चलो ऐसा कर लो, तो फिर टिक गए, तो धीरे धीरे समझ आ गया कि कभी साइकिल इधर लुढ़कती है तो ऐसे करना चाहिए। सीख गए कि नहीं सीख गए? तो यही है सीखने का तरीका। कोई अगर आपको कहे कि देखिए इतना बड़ा तालाब है, पहले बायां हाथ डालोगे फिर दाहिना हाथ डालोगे तो तैर जाओगे, ऐसे होता है क्या? जब एक बार कूद जाओगे तो फिर पता चलता है हाथ पर ऐसे हिलाओ तो बाहर आ जाते हैं, तो फिर मन कर जाता है तैरना सीख गए। देखिए जीवन में कौशल्य का बड़ा महत्व है और आज जब पूरा देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा है और हमारे एक साथी विश्वकर्मा ने ही हमको आज कथा सुनाई, तो हम सबका काम है कि इस भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हुए। मैं आज आपके स्कूल क्यों आया मालूम है? क्यों आया? जन्मदिन है इसलिए आया। मैं इसलिए आया आपके स्कूल में, ये आपके यहाँ रूम टू रीड वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने सुना था कि कुछ नौजवान बहुत ही जी जान से इस काम में लगे हैं। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं कभी उनको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तो कर ले, लेकिन पढ़ना नहीं आता है, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ना कैसे रुचिकर हो जाए, पढ़ने में उनकी रुचि कैसे बन जाए, वो ज़्यादा कैसे पढ़े, इसके लिए उन्होंने नई नई पद्धति अपनाई। तो इसके विषय मैंने सुना था तो मेरा मन कर गया कि आज काशी जा रहा हूँ, तो अगर कहीं नज़दीक में कोई स्कूल होगी और जहाँ बच्चे ये रूम टू रीड वाले प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होंगे तो मैं जाऊँगा, देखूँगा, समझूँगा, उन बच्चों से पूछूँगा। और मैंने देखा कि छोटे छोटे बालकों ने जो मेरे से बातचीत की उनका इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था और उनको लग रहा है कि हाँ। लेकिन मैंने उनको पूछा है कि दादाजी का छाता चित्र नहीं है तो दादाजी का छाता पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? कोशिश करनी चाहिए आप लोगों ने कि इन किताबों के बिना वो जो लिखा है
उसको आप अलग से लिख सकते हैं क्या? अगर आप अलग से लिख सकते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। एक छोटा सा काम बताऊं मैं आपको, करेंगे? आप में से कौन है जो दिन में इतनी दौड़ धूप करते हैं, उतनी उठा पटक करते हैं, ये खेलते हैं वो खेलते हैं, और दिन में कम से कम 4 बार पसीना हो जाता है, ऐसे कितने हैं? गर्मी के कारण नहीं, मेहनत के कारण पसीना होता है। देखिए हम नियम बनाइए, इस उम्र में कम से कम दिन में ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा दौड़ना चाहिए, पेड़ पे चढ़ गए, इधर चढ़ गए, उधर चढ़ गए, दिन में 4 बार कम से कम पसीना होना चाहिए। करोगे? फिर ऐसा नहीं कि एक बार पसीना हो गया चलो एक, फिर उधर गए पसीना उसी को फिर दो, ऐसा नहीं करोगे ना? हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है, आजकल बच्चे घर से स्कूल, स्कूल से घर, और फिर कार्टून फिल्म, फिर टीवी, या फिर कुछ छोटी मोटी किताब, या अपने दोस्तों के साथ घर में ही कमरे में गप्पे, खुले मैदान में खेलते नहीं है। और आपको मालूम है ना, जो खेलता है वही खिलता है। खिलना है ना, फूल खिला हुआ अच्छा लगता है कि नहीं लगता? तो इंसान भी खिला हुआ अच्छा लगता है ना। मुरझाया हुआ बच्चा कोई गोद में भी लेता है क्या? हंसते खेलते बच्चे को हर कोई उठा लेता है ना। तो खिले ये जरूरी है, और बिना खेले खिलते नहीं है। खेलेंगे आप लोग आज जितना मैंने कहा है, क्या घर जाकर के लिख लोगे? कितने लोग लिख पाएंगे? बहुत कम है। देखिए लिखने से क्या होगा, आपके विचारों का बहुत एकदम से धार निकलेगी। तो लिखने की आदत डालोगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो लिखने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा कभी कोई चीज समझ ना आए तो आप मास्टर जी को पूछने की हिम्मत करते हैं कि डर लगता है? पूछते हैं? और फिर मास्टर जी कहते हैं चुप बैठो, सर मत खाओ। है? कभी आपको ये भी लगता है कि मैं ऐसा सवाल पूछूं और सब लोग हंस देंगे तो मेरी तो इज्जत चली जाएंगी, इसलिए पूछते ही नहीं है, ऐसा भी होता है ना? हाँ होता है, होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे कोई पूछ लेगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा, मैं नहीं पूछूंगा, ऐसा भी होता है ना? देखिए आपके सवाल आपने खुद ने पूछने चाहिए और बार बार पूछने चाहिए, उसके कारण आपके मन में कोई शक होता है ना तो निकल जाता है। वरना अगर पूछेंगे नहीं ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर आपको कोई काम नहीं आएगा। तो पूछेंगे? लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर बार पूछते ही रहेंगे, वरना कल से शुरू कर देंगे, नहीं मोदी जी आए थे बोल के गए पूछो बस, मैं मैडम आपको पढ़ाना नहीं है, बस हम पूछेंगे आप सुनते रहो, ऐसा नहीं करोगे ना? चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलने का मौका मिल गया। सर मैं गांव एवं विभाग की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर आप हजारों साल जिए, ये मेरी दिल की इच्छा है। और कोई? हाँ चलिए आखिरी। जब आप छोटे थे तो कितने समय पढ़ते थे? बेटा मैं काफी पढ़ता था, मैं ज्यादातर, मेरे गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी थी तो आते जाते लाइब्रेरी में चला जाता था, और बड़ा बड़े बड़े अक्षरों वाली जो भी किताबें मिलती थी उठा लेता था और फटाफट पूरी कर देता था। तो हमारे जो लाइब्रेरी के जो संभालते थे उनको भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जाता था, कभी कभी वो मुझे पूछते थे तुम ऐसे ही किताब लेकर के वापस ले आए हो कि पढ़ते हो, तो कभी कभी पूछते भी थे, पेज खोल करके पूछते बताओ इसका क्या है, इसका क्या है। तो उन्होंने मुझे बड़ी आदत डाली थी और मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, आज भी फायदा हो रहा है। वो बचपन में जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी वो अभी भी काम आ रही है। तो पढ़ने से बहुत फायदा होता है, और ये परमात्मा ने ऐसा दिमाग बनाया है ना, हर चीज़ें अंदर बिल्कुल बैठ जाती है, पता नहीं कब निकलती है, मालूम भी नहीं होता है। 10 साल की उम्र की कोई चीज़ होगी 50 साल की उम्र में निकल करके आती है, हाँ इसका ये मैंने सुना था, तो बहुत काम आता है। तो पढ़ेंगे आप लोग? चलिए बहुत धन्यवाद आपका।